इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मेनली हमने जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल इन तीनों मोड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पेरेंट बॉडी न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करती है और उसकी लाइफ साइकिल में कभी भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, कभी भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। मगर अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पेरेंट बॉडी पहले स्पोर फॉर्म करती है और वो स्पोर जर्मिनेट होकर फिर से एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो स्पोर्स का ही है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली थ्री टाइप से होता है किंगडम फंजाई में। किंगडम फंजाई की जो ऑर्गेनिज्म है वो वेजिटेटिवली थ्री टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा मेथड है फिशन और तीसरा मेथड है बडिंग। ओके, सो वी हैव फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग। इन तीनों मेथड से मेनली जो फंजाई है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रैगमेंटेशन से। ये जो फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन है ये मेनली फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होता है, और जैसा कि फंगल के जो हाइफे होते हैं वो भी फिलामेंटस होते हैं। ओके, फिलामेंटस मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि थ्रेड की तरह अपीयर होता है, जो कि धागे की जैसा ही दिखता है, उसको हम मेनली फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि हमने बात की, फिलामेंटस जो स्ट्रक्चर होगा वो हाइफे का कुछ इस तरीके से दिखेगा। सपोज ये कोई नेबरिंग हाइफे हैं, ओके, किसी माइसीलियम के, किसी भी वजह से ये जो हाइफे है ये बीच से कट गया, ये यहाँ से कट गया किसी भी एक्सटर्नल शॉक की वजह से। तो क्या होगा, ये हाइफे एज इट इज रहेगा, ये भी जर्मिनेट कर जाएगा, मगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस कटे हुए हाइफे की बात कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये जो हाइफे कटा हुआ था ये फिर से एक पूरा का पूरा हाइफे रीजनरेट कर लेगा, एक नया हाइफे फॉर्म कर लेगा ये कटा हुआ हाइफे। तो इनमें मेनली रीजनरेशन की पावर होती है, ये खुद को रीजनरेट कर लेते हैं पूरे के पूरे तरीके से। ओके, तो ये मेनली फ्रैगमेंटेशन होता है। फ्रैगमेंटेशन में आपको याद रखना है कि ये फ्लामेंटस स्ट्रक्चर में होता है, और जैसा कि हमें पता है कि जो फंगल हाइफे होते हैं वो भी फ्लामेंटस होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैगमेंटेशन। दूसरा जो मेथड है वो है फिशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा मेथड है फिशन। फिशन मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, फिशन मीन्स स्प्लिट हो जाना। अगर कोई पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम मेनली फिशन बोलेंगे। बीच से स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होकर दो इंडिविजुअल्स फॉर्म करता है, उसको हम मेनली फिशन बोलेंगे। ओके, तो सपोज आप कंसिडर कीजिए कि ये एक हाइफे है और ये इसका न्यूक्लियस। तो पहले केस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, उसी के साथ साथ जो न्यूक्लियस है उसमें भी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, सेपरेशन होगी। ओके, और सेपरेशन से हमें कितने हाइफे मिलेंगे, टोटल दो हाइफे मिलेंगे। तो अगर हम इनको भी प्रोसीड करें तो इससे भी हमें दो हाइफे मिलेंगे और इससे भी हमें दो हाइफे मिलेंगे। तो ये जो और इनके न्यूक्लियस, तो ये जो मेथड है वो मेनली फिशन है। ओके, तो इससे भी फंगस के जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन से। अच्छा, इसमें कहीं भी स्पोर फॉर्म नहीं हो रहे हैं इसलिए हमने इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में रख दिया। थर्ड मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बडिंग। बडिंग मेनली यूनिसेलुलर फंजाई में होती है, फंजाई या मेनली मल्टी सेलुलर, मगर एक एक्सेप्शन है, किंगडम फंजाई में एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर फंगस है। तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल है यीस्ट। ओके, तो ये जो यीस्ट है वो मेनली यूनिसेलुलर फंगस है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये जो सेल है ये सिंगल सेल है यीस्ट का। कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये जो सेल है इसके आउटर लेयर पर एक बड फॉर्म हुई है, इसी के इक्विवेलेंट एक बड फॉर्म हुई है। कुछ टाइम बाद ये बड क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी और इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और जैसे ही ये बड अलग हो जाएगी ये फिर से क्या करेगी, एक न्यू इंडिविजुअल मतलब एक नया यीस्ट सेल फॉर्म कर लेगी। तो ये जो मेथड है वो बडिंग है। एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि ये जो बड फॉर्म हो रही है वो मेनली एक्जोजीनियसली हो रही है,
एक्जोजिनियसली मतलब बॉडी के बाहर हो रही है। ओके, तो जो बडिंग होता है वो यीस्ट में होता है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सैकेरोमाइसिस भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई डिफर फ्रॉम इट्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किंगडम फंजाई में, वो उसी किंगडम फंजाई के एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह अलग है? तो इसका बिल्कुल सीधा सिंपल सा आंसर है, रीजन है, इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देयर इज नो स्पोर फॉर्मेशन बट वन कैन इजिली सी स्पोर्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वक्त कोई भी स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, मगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त आमतौर पर स्पोर फॉर्मेशन देखी जा सकती है। ओके, तो ये मेनली इसका रीजन है, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों के वक्त स्पोर देख सकते हैं जो कि फॉर्म होते हैं उनके लाइफ साइकिल में। ओके, तो ये मेनली रीजन इसका जो कि इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन में आ भी सकता है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि हमने देखा कि दोनों रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्म होते हैं, तो हम बात करते हैं इनके स्पोर्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो या तो एग्जोजीनियसली फॉर्म होंगे या फिर एंडोजीनियसली फॉर्म होंगे, या तो बॉडी के बाहर फॉर्म होंगे या फिर बॉडी के अंदर फॉर्म होंगे। तो जो एग्जोजीनियसली फॉर्म होते हैं उनका नाम है कॉनिडिया। कॉनिडिया स्पोर्स मेनली एग्जोजीनियसली फॉर्म होते हैं, और जो स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं वो मेनली एंडोजीनियसली फॉर्म होते हैं, बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो जो स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, जू स्पोर्स एंड ए प्लैनो स्पोर्स। ओके, तो जू स्पोर्स और ए प्लैनो स्पोर्स दोनों ही एंडोजीनियसली फॉर्म होंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम कॉनिडिया से। जैसा कि हमें पता है ये बॉडी के बाहर फॉर्म होते हैं एग्जोजीनियसली, तो ये हाइफे है और हाइफे के ऊपर क्या है, ये स्पोर्स हैं। तो इन सभी स्पोर्स को हम कलेक्टिवली बोलेंगे कॉनिडिया, वी कॉल देम कॉनिडिया। अगर मैं किसी एक स्पोर की बात करूं तो हम बोलेंगे कॉनिडियम। ओके, तो बायोलॉजिकल टर्म है, जहाँ पर भी ये यू आ जाता है इसका मतलब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉनिडिया स्पोर्स। अब हम बात करते हैं जू स्पोर्स की। तो जू स्पोर्स जैसा कि आपको पता है ये एंडोजिनसली फॉर्म होता है, तो ये इनका जू स्पोरेंजिया, और यहाँ पर ये जो स्पोर्स हैं ये सभी जू स्पोर्स हैं। ओके, एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जू स्पोर्स की, ये मेनली मोटाइल होते हैं, ये मेनली मोटाइल होते हैं। मोटाइल होते हैं इसका मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि इनके पास फ्लैजला होता है। मोटाइल इसका मतलब ये है कि इनके पास फ्लैजला होता है मोटिलिटी के लिए, मूव करने के लिए। ओके, इसी तरह के स्पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ए प्लैनो स्पोर्स, मगर ए प्लैनो स्पोर्स के केस में हमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता। अब फ्लैजला देखने को भी नहीं मिलता तो सीधा सिंपल सा मतलब है कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, तो ए प्लैनो स्पोर्स में क्या हो जाएगा, ये जो फ्लैजला मैं ड्रॉ कर रहा था ये हमको देखने को नहीं मिलेंगे, इन्हीं स्पोर्स को हम बोलेंगे ए प्लैनो स्पोर्स, वी कॉल देम ए प्लैनो स्पोर्स, और ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। ओके, नॉन मोटाइल, जो स्पोर्स मोटाइल फ्लैजला प्रेजेंट, ए प्लैनो स्पोर्स नॉन मोटाइल फ्लैजला एबसेंट। तो ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं। हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली थ्री टाइप्स के स्पोर फॉर्म होते हैं, थ्री टाइप्स के स्पोर फॉर्म होते हैं, ओ स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स एंड बैसिडियो स्पोर्स। ओके, सो वी हैव ओ स्पोर्स, जाइगो स्पोर्स एंड बैसिडियो स्पोर्स। इनके मेनली आपको नाम ही याद रखने हैं, इनके प्रॉपर्टीज याद नहीं रखनी। ओके, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल किंगडम फंजाई में, दोनों में एक सिमिलरिटीज है। वो सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, उनकी लाइफ साइकिल में हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मगर ये जो स्पोर फॉर्म हो रहे हैं एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में, कुछ अलग स्पोर फॉर्म हो रहे हैं, उनके नाम कुछ अलग हैं, और जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल में स्पोर हमें देखने को मिले उनके नाम कुछ अलग हैं। ऐसा क्यों, मतलब अगर स्पोर फॉर्म हो ही रहे हैं तो इनमें सिमिलरिटीज क्यों नहीं है? तो जो इसका आंसर है वो मेनली ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किंगडम फंजाई में, वो मेनली फेवरेबल कंडीशन में होता है,
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किंगडम फंजाई में वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। मतलब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलेगा, मेनली हमें मैक्सिमम टाइम हमें वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा जो कि फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब अनफेवरेबल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, फूड की कमी, वाटर की कमी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। फेवरेबल कंडीशन का मतलब पर्याप्त इनके पास पानी है, भोजन है, सब कुछ है इनके पास, तो वो फेवरेबल कंडीशन हो गई। ओके, तो जैसा कि हमने स्पोरुलेशन के बाद डिस्कस किया था, जो बैक्टीरिया में हमने स्पोरुलेशन प्रोसेस देखा था किंगडम मोनेरा के वक्त, हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करते थे वो मेनली अनफेवरेबल कंडीशंस में करते थे, और जो वो स्पोर्स होते वो मेनली डोरमेंट हुआ करते थे, रेजिस्टेंस हुआ करते थे, मतलब उन पर किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर नहीं पड़ता था। तो सेम केस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त स्पोर फॉर्म होंगे ये रेजिस्टेंस होंगे, डोरमेंट होंगे, इन पर किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का असर नहीं पड़ेगा, और ये सालों तक वियेबल रहेंगे, मतलब ये डिजनरेट नहीं होंगे। मगर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त स्पोर फॉर्म होते हैं वो डोरमेंट नहीं होते, वो रेजिस्टेंस नहीं होते, मतलब अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली कुछ टाइम तक तो ये डिजनरेट हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। ओके, तो ये मेरे लिए डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किंगडम फंजाई के। फेवरेबल कंडीशन में होता है इनके जो स्पोर्स होते हैं वो डोरमेंट नहीं होते, ना ही रेजिस्टेंस होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं और इनके स्पोर डोरमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इनके लाइफ साइकिल से, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल से हम शुरुआत करेंगे इनका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लाइफ साइकिल है किंगडम फंजाई में वो ईजी है, वो बहुत ही ईजी है। ओके, तो क्या होगा इसकी लाइफ साइकिल में, एक हाइफे है, एक फंगल हाइफे है। ये हाइफे मेनली हैप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड मतलब इनके पास हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अब ये हैप्लॉयड हैं तो जाहिर सी बात है कि माइटोसिस मतलब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से स्पोर फॉर्म करेंगे। अगर ये डिप्लॉयड होता तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होती, मियोसिस होती और स्पोर फॉर्म करता, मगर ये कैसा है, हैप्लॉयड है तो इसमें क्या होगी, माइटोसिस होगी। ओके, तो ये माइटोसिस हुई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुई और हमें हैप्लॉयड स्पोर्स मिले, सभी कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। अब ये स्पोर्स फॉर्म हो गए, जैसा कि हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं होते, डोरमेंट नहीं होते, तो इनको फेवरेबल कंडीशन जल्दी ही चाहिए पड़ती हैं जर्मिनेट होने के लिए। ओके, तो सपोज इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, इन स्पोर्स को इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई और ये स्पोर जनरेट करके एक न्यू फंगल बॉडी बना लेंगे। ओके, ये एक न्यू फंगल बॉडी को बना लेंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल है सिंपल सी, वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। क्या हुआ, एक सिंगल हाइफे था जो कि हैप्लॉयड था, ठीक है, इसमें माइटोसिस हुई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुई और इसने स्पोर्स बनाए जो कि सभी हैप्लॉयड थे। स्पोर्स को अगर जल्दी ही फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो सपोज इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, अब फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट करके एक न्यू फंगल बॉडी बना लेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल। जो इनकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है कि दो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों में डिवीजन होती है, डिवीजन से वो गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। बट किंगडम फंजाई के केस में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, मतलब जाइगोट डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनाता, डायरेक्टली क्या वो एम्ब्रियो फॉर्म ही नहीं करता। ओके, उसमें मियोसिस डिवीजन होती है, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर जनरेट होके एक न्यू फंगल बॉडी को बनाते हैं। ओके, तो ये मेनली नॉन एम्ब्रायोफाइटा होते हैं, इनके पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। ओके, सो ओके लेट मी टेल यू, सपोज ये दोनों गैमेट्स हैं, क्या होता है, ये गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न से हमें जायगोट मिलता है। सपोज ये डिप्लॉयड जायगोट है, अभी जायगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है जनरली, ठीक है, मगर इनके केस में ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। अगर ये सपोज एम्ब्रियो बन जाता तो ये कैसा होता, बॉडी डिप्लॉयड होता, और हमें पता है फंगस बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉयड होती है। हाइफे कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, जायगोट में मियोसिस होती है और ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, स्पोर बनते हैं और स्पोर जनरेट होके हैप्लॉयड फंगल बॉडी को बनाते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा
फंडाई समझने के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये नॉन एम्ब्रायोफाइटा होते हैं। किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म नॉन एम्ब्रायोफाइटा होते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हाइफे होते हैं, एक ही माइसीलियम के, और दोनों जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ओके, तो आप कंसिडर कीजिए कि ये मेल हाइफे है और ये फीमेल हाइफे है, तो जेनेटिकली डिसिमिलर दिखाने के लिए मैंने इन दोनों के न्यूक्लियस डिफरेंट कर दिए। ओके, ये थोड़ा डार्क है, ये ऐसे ही है। तो ये दोनों हैप्लॉयड हैं और ये कंसिडर कीजिए मेल हाइफे है और ये फीमेल। अब क्या होगा, ये दोनों अपने अपने सेक्स ऑर्गन बनाएंगे, तो ये मेल हाइफे है तो ये मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेडियम, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ओगोनियम। ओके, दोनों हैप्लॉयड। अब दोनों हैप्लॉयड हैं, मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएंगे, अपने अपने गैमेट्स बनाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेट बनाएगा। ओके, तो इनमें होगी माइटोसिस क्योंकि ये दोनों हैप्लॉयड हैं, इसमें भी माइटोसिस क्योंकि ये भी हैप्लॉयड है, और इसने गैमेट बनाए, तो ये फीमेल गैमेट और ये मेल गैमेट। अब क्या होगा, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, गैमेट्स फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, तो दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, उस स्टेप को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद ही जस्ट आफ्टर क्या होता है, इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म जैसे ही फ्यूज होते हैं, न्यूक्लियस बचा होता है तो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है, उस स्टेप को हम बोलते हैं कैरियोगैमी। मगर कुछ फंजाई के क्लासेस में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के जस्ट आफ्टर बाद न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, मतलब कुछ टाइम बाद हो जाएगा वो भी फ्यूज, मगर वो अनफ्यूज्ड स्टेट में कुछ टाइम के लिए रहता है, तो उसको मिले हम डाइकैरियन फेस बोलते हैं। तो हमें दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी कैरियोगैमी के बाद, एक कंडीशन न्यूक्लियस फ्यूज्ड रहेंगे और एक कंडीशंस न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड रहेंगे। ओके, तो प्लाज्मोगैमी के बाद हमें दो कंडीशंस देखने को मिलेंगी, पहली कंडीशन में न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो ये मेनली डिप्लॉयड हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हमें ये देखने को मिलेगी, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, तो इसको मिले हम डाइकैरियन फेज बोलते हैं। वी क्या वी कॉल डाइकैरियन, डाई मीन्स टू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ओके, सो टू न्यूक्लियस पर सेल, ये सभी जायगोट हैं, ये भी जायगोट है, ये भी जायगोट है, डिफरेंट किसका किसमें है, इसका जायगोट का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया कैरियोगैमी के वक्त, और इसका इस जायगोट का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। ओके, तो इसकी जो प्लॉयडी होगी एन प्लस एन, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। ओके, तो आप कंसीडर कीजिए कि कुछ टाइम बाद ये जो न्यूक्लियस है ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होते के वक्त इसका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसकी प्लॉयडी क्या हो जाएगी, ये भी डिप्लॉयड हो जाएगा उसी की तरह। तो ये जो डायकैरियन फेस है कैरियोगैमी के बाद देखने को मिलता है, और ये मेनली एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में ही देखने को मिलता है। ओके, अब ये जायगोट हैं हमारे पास और ये जायगोट डिप्लॉयड हैं, जैसा कि मैंने बताया था इसमें मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है। मियोसिस से हमें फोर स्पोर्स मिलेंगे, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बाद फोर स्पोर्स मिलेंगे, ये सभी हैप्लॉयड। ओके, अब आपको पता ही है ये जो स्पोर्स फॉर्म हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त फॉर्म हुए हैं, तो ये डोरमेंट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे और ये सालों तक वियेबल रहेंगे। ओके, अगर इन्हें तुरंत कंडीशंस ना भी मिले फेवरेबल तो भी ये मेटाबॉलिज्म होता रहेगा इनके सेल के अंदर। ओके, तो ये सपोज स्पोर्स इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई और ये जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम फॉर्म कर लेंगे। माइसीलियम क्यों फॉर्म कर लेंगे, हाइफे क्यों नहीं फॉर्म करेंगे, तो आप कंसीडर कीजिए सपोज मेरे पास एक डिश है और इसमें मैं हाइफे को कल्चर कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिंगल हाइफे है ये, इसको कल्चर कर रहा हूँ और सभी फेवरेबल कंडीशंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको। अब फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस दो चांसेस हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के, या तो वेजिटेटिव होगा या फिर एसेक्सुअल होगा। सेक्सुअल तो हमें पता है अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, तो या तो इसमें स्पोर फॉर्म होंगे या फिर इसका कुछ पार्ट वार्ट कट के ये रिप्रोड्यूस करेगा। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे इसी डिश के अंदर ये जो हाइफे है ये काफ़ी सारे माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, काफ़ी सारे माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हुआ होगा तो वो माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा स्पोर, क्योंकि आइसोलेटेड फॉर्म में एक सिंगल हाइफे नहीं रहता, माइसीलियम फॉर्म में ही रहते हैं। ओके,
ग्रुप बना के, कॉलोनी बना के रहते हैं। तो ये जो हाइफे हैं, इनके जो स्पोर्स हैं वो जनरेट होंगे, एक माइसिलियम ही बनाएंगे। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्पोर जनरेट होके क्या बनाता है, तो आंसर होगा माइसिलियम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट देयर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके।